इमरान साहब, दावा है कि समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है, लेकिन जो भाजपा के अध्यक्ष है यूपी के, कल उनका स्टेटमेंट था सहारनपुर में, सत्ता में आकर क्या करेंगे? जिन्ना की मूर्ति लगवाएंगे, सरदार पटेल की मूर्ति उखड़वाएंगे, या फिर राम मंदिर निर्माण पर बुलडोजर चलवाएंगे? सरदार पटेल हमारे आदर्श, अराजकता फैलाने के लिए सुन लीजिए, सरदार पटेल हमारे आदर्श हैं, सरदार पटेल हमारे आदर्श हैं, जिन्ना हमारे आदर्श नहीं है। जिन्ना हमारे आदर्श होते तो हम भी पाकिस्तान में होते। हम जिन्ना को अपना गुनाहगार मानते हैं। जिन्ना ने देश का विभाजन किया, जिन्ना ने देश को तोड़ने का काम किया। जिन्ना की मूर्ति वो लगाएंगे जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें चलाईं। जिन्ना की मूर्ति हम नहीं लगाएंगे, ना हमारे हमारे बाबा अजदाद ने जिन्ना का समर्थन करने का काम किया। जिन्ना की मूर्ति वो लगाएंगे जिन्होंने बंगाल के अंदर, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, जिनको सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी बताती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब उन्हीं की सरकार के अंदर, मुस्लिम लीग के ए के फजल हलक साहब की सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर 12 दिसंबर 1941 को उन्होंने ओथ ली थी। 12 दिसंबर 1941, मैं डेट भी बता रहा हूँ, 12 दिसंबर 1941 को ओथ भी ली थी उन्होंने। तो ये लगाएंगे जिन्ना की मूर्ति जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें बनाई, सरहदी सूबे के अंदर सरकार बनाई, सिंध के अंदर सरकार बनाई। तो ये जवाब वो देंगे, हम क्या जवाब देंगे? हम तो जिन्ना को मानते ही नहीं। हम जिन्ना को मानते हैं कि देश का विभाजन करने वाले का सबसे बड़ा कारक जिन्ना है। जिन्ना हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। अराजकता फैलाने की बात करें, सरकार आएगी तो अराजकता फैलेगी, दंगे होंगे यूपी में। देखिए, अराजक तत्वों के साथ सख्ती के साथ, सरकारी की नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। और हम बात कहना चाहते हैं बहुत साफ तरीके से, सरकार बने तो इस सबकी जिम्मेदारी होगी कि अराजक तत्वों के साथ सख्ती के साथ पुलिस को निपटा जाना चाहिए। प्रियंका गांधी कह रही थी कि पहले वो कि मैं सीएम पद का चेहरा हूं, लेकिन अब मना कर रही है क्योंकि मैंने चिड़ में ये बयान दे दिया था। देखिए, मैं उसके, प्रियंका जी मेरी, क्योंकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। मैंने, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है राजनीति के अंदर। जी, अरे पाकिस्तान हिंदुस्तान से बाहर करिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यहाँ की बात करिए ना। आप यहाँ की बात करो, आप कहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पर सुनिए, पाकिस्तान बर्बाद मुल्क है। पाकिस्तान अपनी बर्बादी के अंदर अपना आप डूब रहा है। मैं पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, बाढ़ में जाए पाकिस्तान।